अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही राइट साइड का सब्सक्राइबर बटन दबाएं और हमारा लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करें। अपने नौकर या ड्राइवर को डांटना डपटना कितना नुकसानदायक हो सकता है, इसका एक उदाहरण मिला कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी में, जहां एक ड्राइवर ने बड़ी होशियारी से अपने मालिक से बदला लेने के लिए रूठ का ड्रामा रचा, लेकिन पुलिस की सख्ती के सामने उसकी एक नहीं चली और उसने सब कुछ उगल दिया। कपूरथला में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले गुरपाल सिंह ने पुलिस को बताया कि 27 मई को उसने अपने ड्राइवर गुरनाम सिंह को तरन तारण माल देकर भेजा था। वहां से 1,59,000 रुपए लेकर ड्राइवर ने उसे फोन किया कि वह वापिस आ रहा है, लेकिन शाम को किसी ने उसे फोन करके बताया कि उसकी गाड़ी सुल्तानपुर मार्ग पर शालापुर गेट पर खड़ी है और उसका ड्राइवर अस्पताल में भर्ती है। जब उसने अस्पताल में जाकर ड्राइवर का हालचाल पूछा तो उसने बताया कि वापिस आते समय शालापुर के निकट एक काले रंग की जीप से कुछ अज्ञात युवक उतरे और उससे मारपीट करते हुए उसके पास से 1,59,000 रुपए की नकदी छीनकर ले गए। पुलिस को गुरनाम सिंह की कहानी पर शक हुआ। जब उसे 4 जून को अस्पताल से छुट्टी मिली तो 5 जून को पुलिस ने उसे मौके पर ले जाकर पूछताछ की। वह अपनी झूठी कहानी के तार नहीं जोड़ पाया। उसने मान लिया कि उसने यह सारा ड्रामा खुद ही रचा था, जिस पर पुलिस ने उसे काबू कर लिया और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। आरोपी गुरनाम सिंह ने मीडिया के सामने को बोला कि उसने अपने मालिक की डांट डपट से तंग आकर उससे बदला लेने के लिए ऐसा किया है। प्लाईबोर्ड की सप्लाई देंदे सीगे सुल्तानपुर लोधी दे, कोई व्यापारी नहीं, उन्होंने ड्राइवर जिहड़ा है वो तरन तारण एरिए विच भी सप्लाई देंदा सी प्लाईबोर्ड की, तो वह सप्लाई करके वापिस आ रहे थे। इनफॉर्मेशन आई कि उसको कोई लुट हो गई है कि जिप्सी के 5 नौजवान आकर देखो 1,50,000 रुपया लुट के लै गए। जो पड़ताल की तो वह बड़ी मामूली जी सट लगी हुई थी, जो सारे मौके के हालातों तो कोई उस तरह की गल लगती नहीं सी, बट फिर भी FIR दर्ज करके तस्दीक किया गया। इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, इन्वेस्टिगेशन दौरान सारे आस्पेक्ट्स को वेरीफाई करने तो बाद जो ड्राइवर को पूछगिछ की गई तो ये एडमिटिड कि उन्हें लालचवश ये गलती की है, पैसे वो को लिए जिद को 1,30,000 की रिकवरी भी हो गई और क्राइम भी उन्हें मान सर। पुलिस ने जो देखो रिक्रिएशन क्राइम की स्टेटमेंट तो ही पुलिस को डाउट हो गया, जो मौका विजिट किया उदो काफ़ी हद तक चीज़ा डाउटफुल लग रही सी, लेकिन क्योंकि पुख्ता सबूत नहीं सी इस करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत थी कि जो जो ये कह रहे हैं वो करोबोरेट होंगे कि नहीं होंगे। जो सारा कुछ चैक किया कुछ भी करोबोरेट नहीं होया। बहुत ज़्यादा उस रोड के उत्ते काफ़ी अच्छी खासी ट्रैफिक होंगी है और जो उस समय के देखा गया तो बहुत सारे रेगूलर विजिटर से जो डेली उस तो निकलते थे और किसी ने भी उस चीज़ को करोबोरेट नहीं किया कि इतने कोई जिप्सी देखी गई है या कोई गल हुई है, ना ही कोई अगे पिछे वो CCTV कवरेज के कोई इस तरह की गल नज़र आई सूँ। तो जी सारी चीज़ा वो स्टेटमेंट जी चुटलांदियाँ सगिया, इस करके जो भी ये हॉस्पिटल का डिस्चार्ज होया तो उन्होंने बुला के पूछगिछ की गई है, तो उस तो बाद गिरफ्तारी पाई। बैकग्राउंड हाले तफ्तीश जारी है जी, और पता लगेगा कि यदि बैकग्राउंड की सी पहला कहना, क्योंकि इस जे व्यापारी ने इन्होंने को सिर्फ 1 महीने तो ही काम करता से। मैं करना नहीं सी चाहता ये गलबात, पर जड़े जो दुकान के मालक से वो हमेशा ही मैनू गाली गलोच के मेरी जाति बारे बोलते रहते सन, इस करके मैनू ये कदम उठाना पाया। जेकर किसी गाहक को 100 रुपया भी घट हुंदा सी तां गाली गलोच करदे सी, जात बारे मेरे उल्ट जांदे सी, इस करके मैनू ये कदम उठाना पाया। ये तुसीं जिद्दां कहानी सारी बनाई तुहानूं विश्वास सी वी कहानी टिक जूगी? नहीं, मैनू विश्वास नहीं सी वी टिकेगी, क्योंकि ये मेरा पहला ते आखिरी ही पड़ा है, क्योंकि साडे परिवार विच ना इदां दी होई गल। आखिरी सवाल है, मनदे हो कि गलत हो गया? बिल्कुल गलत होया जी, अगे बिल्कुल गलत होया, क्योंकि मेरी पढ़ाई ते बहुत असर पिया।